कृष्ण, मेरे साथ यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हैं, हम सब ने 11 दिन का उपवास रखा है और उपवास के पश्चात आपने हमें ये पेय पिलाया है। मैं राधा से अत्यंत कुपित हूँ। ऐसा मत कहिए गुरुवर, राधा से त्रुटि हुई तो उसने जानकर ये त्रुटि नहीं की होगी। उसे दंड मत दीजिएगा, उसके स्थान पर आप मुझे दंड दे दीजिए, किंतु उसे क्षमा कर दीजिए। पुत्री, तुम कितनी सरल हो, राधा का दंड अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न होकर राधा को क्षमा करता हूँ। धन्यवाद गुरुवर। सत्य तो ये है कि 11 दिनों के उपवास के पश्चात हमें अत्यंत तीव्र भूख लगी थी। हम संध्या वंदन के पश्चात यथाशीघ्र भोजन करेंगे। जी गुरुवर, मैं अभी इसी क्षण जाकर राधा को आपका संदेश पहुंचाती हूँ। मैंने सारे प्रबंध पूर्ण कर दिए। राधा, वहाँ गुरु सांदीपनी और अन्य ऋषि मुनि भोजन के लिए अत्यंत अधीर हो रहे हैं, कुछ कीजिए। भोजन चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है साम, अब जैसे ही भोजन पक जाएगा मैं भोजन आके परोस दूंगी। ठीक है श्री राधा, मैं आशा करता हूँ कि भोजन शीघ्र ही पक जाए। मैं शीघ्र ही जाकर उन्हें सूचित कर देता हूँ कि अभी कुछ समय और लगेगा। कृष्ण, हमें अनुमान नहीं था कि भोजन में इतना विलंब होगा, अन्यथा हम इन ऋषि मुनियों को लेकर यहाँ कदापि नहीं आते। सब भूख से व्याकुल हैं। आज महल की व्यवस्था ने हमें अत्यधिक निराश किया है। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, न जाने आज भोजन में इतना समय कैसे लग गया। रसोई में अभी और अधिक समय लगने वाला है, तो इससे पूर्व कि यहाँ कुछ अनुचित घटित हो जाए, हमें कोई उपाय निकालना होगा, अन्यथा गुरुवर के क्रोध को शांत कर पाना असंभव हो जाएगा। मेरे पास इसका एक उपाय है। तब आदरणीय गुरुवर और सभी ऋषिगण, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि द्वारका में प्रतिदिन संध्या वंदन के पश्चात हम अष्टलक्ष्मी की कथा सुनते हैं। अब हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसे ही समय पे आप सभी द्वारका में पधारे हैं। अब आप सभी के सामने अष्टलक्ष्मी की कथा सुनाने का ये पुण्य मुझे प्राप्त करने का अवसर दीजिए। हाँ कृष्ण, किंतु आप सबसे पहले हमारी भूख का निवारण कीजिए, तब कथा कीजिए। समाधान की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि समाधान कभी अधूरा नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। भूख केवल पेट की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। और आप सभी तो विद्वान हैं, दिन रात आप तपस्या करते हैं सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में। मेरा निवेदन केवल इतना है कि पहले कथा अमृत का पान कर, फिर पेट की भूख मिटा के पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। देखिए, आप अतिथि हैं, अंततः जो आप चाहेंगे वही होगा। कृष्ण सत्य कह रहे हैं, पेट की भूख से अधिक आत्मा की तृप्ति मायने रखती है। हम सब ने 11 दिवस का उपवास किया है और आज हम उसका पारायण करने जा रहे हैं। यदि पारायण से पूर्व अष्ट लक्ष्मी की कथा सुन लें तो हम सब अत्यधिक लाभान्वित होंगे और प्रिय कृष्ण के मुख से अष्ट लक्ष्मी की कथा सुनने का अवसर फिर कब मिलेगा। परंतु इस कथा के लिए हमें समस्त परिवार को आमंत्रित करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, आप सभी मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए, मैं अभी सबको बुला कर ले आता हूं। अवश्य। पिताश्री ने कथा के नाम पर कुछ और समय मांग लिया गुरुदेव से। चलो ज्येष्ठा, अष्टलक्ष्मी की कथा सुनकर आते हैं। वैसे भी खीर तो चढ़ी हुई है, पकने में भी समय शेष है।
तो आज की ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी ध्यान से सुनिए। अब ये कथा किसके विषय में है ये कौन बताएगा? धान्य लक्ष्मी ये कथा काकाश्री। उचित कहा। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं धान्य लक्ष्मी की कथा सुनने के लिए। धान्य लक्ष्मी जहां वास करती है वहां धन के साथ साथ धान्य अर्थात अन्न का कभी अभाव नहीं होता, और धान्य लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने घर में अपने परिवार में संस्कार के साथ साथ सद्भावना भी बनाए रखनी पड़ती है। संध्या होती जा रही है राधा, जो वचन तुमने मुझे दिया था कहीं वो तुम भूल तो नहीं गए? कैसी बात कर रही है ज्येष्ठा, मुझे स्मरण है, किंतु इस प्रकार मैं कथा के मध्य में से उठकर नहीं जा सकती ना। ऋषिवर कुपित हो गए तो कथा के समाप्त होते ही मैं चली जाऊंगी। वैसे तो धान्य लक्ष्मी की महिमा अपार है, किंतु यदि ये कृपा आप पर ना हो तो क्या आप जानते हैं क्या होगा? एक समय की बात है, मिथिला नाम के राज्य में अकाल पड़ गया था। वर्षा के ना होने के कारण समस्त राज्य में अन्न ही नहीं, किसी को भोजन ही नहीं मिल रहा। हे राजा जनक, अब आपका ही आसरा है, हम सबकी सहायता कीजिए। यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आपकी प्रजा पर भारी संकट छा जाएगा महाराज। इस आपदा के समक्ष मैं भी असहाय, मेरी भूखी प्यासी प्रजा की सहायता करने हेतु मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। अब आप ही हमें कोई मार्ग सुझा। राजन, धान्य लक्ष्मी जहाँ सुप्त अवस्था में हो वहाँ हरी भरी धरती भी बंजर हो जाती है और अकाल जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यदि ऐसा है तो मैं किसी भी प्रकार से धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा और मिथिला की संपन्नता पुनः लौटाने का प्रयास करूंगा। धान्य लक्ष्मी को सम्मान अत्यंत प्रिय है, धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको स्वयं धरती पर हल चलाना चाहिए, क्योंकि वो भूमि आपकी है, आप स्वयं जब कृषि करेंगे तो भूमि अवश्य अन्न उपजाएगी महाराज। महर्षि ने राजा जनक को मार्ग तो दिखा दिया, अब मार्ग दिखाने से या समझ जाने से हल तो नहीं निकलता ना। निवारण तो तब होता है जब हम उस मार्ग पे चलते हैं। राजा जनक ने यही किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, मिथिला की भूमि को कृषि करने के लिए वो चल पड़े और प्रजा के लिए फल उठा ली। दिव्य बालिका इस कृषि भूमि में
इस दिव्य बालिका को मैं अपनी पुत्री स्वीकार करता हूं। देवी सीता धान्य लक्ष्मी का ही आशीर्वाद थी जो अपने साथ मिथिला के राज्य में संपन्नता ले आए। हो ना हो, मेरी पुत्री सीता ही धान्य लक्ष्मी है, उसी के कारण संपन्नता लौट आई है। मैंने धान्य लक्ष्मी का सम्मान किया है, इसलिए भविष्य में कभी भी मिथिला में धान्य का अभाव नहीं होगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये कथा समाप्त होती है। कृष्ण, वैसे तो हम इस कथा से पहले से अवगत थे, परंतु तुमने इतना सुंदर वाचन किया है इस कथा का। अब हम चाहते हैं कि इस धान्य लक्ष्मी की कथा का सार भी आप सबको बताओ। क्यों नहीं, अवश्य। धान्य लक्ष्मी की कृपा का अर्थ मात्र अन्न नहीं है, इसका सार ये भी है कि हमारे मन में इस अन्न के प्रति आदर भाव होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से, सम्मान पूर्वक रूप से अन्न को पकाया जाए, तभी ये हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि हमारे गृह में अन्न पकाने वाली गृह स्वामिनी, उसकी प्रसन्नता ही धान्य लक्ष्मी का आशीर्वाद। अब हमारे घर में संपन्नता तभी आती है जब हमारे रसोई घर में प्रेम और प्रसन्नता से अन्न पकाया जाए और समर्पण के भाव से परिवार के हर एक सदस्य में बांटा जाए, क्योंकि जब ये प्रेम से प्रसन्नता से पकाया जाता है तभी ये अन्न परिवार के हर एक सदस्य को पोषण भी देता है और परिवार में सुख भी बढ़ाता है। अब इसी के विपरीत है अलक्ष्मी। अब अलक्ष्मी जहां वास करती है वहां ऐसा कुछ नहीं होता, वहां सुख के स्थान पर दुख की उत्पत्ति होती है। ना किसी को भूख लगती है, ना कोई प्रसन्न रह पाता है, सबका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार में मतभेद बढ़ते जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रसोई घर में अन्न कौन पका रहा है और किस प्रकार से पका रहा है। विशेष रूप से स्मरण रखिए, अन्न के एक एक कण का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस अन्न से भोजन बनता है, भोजन से तन, तन से ही मन बनता, और जैसा होगा मन वैसा ही होगा ये जीवन। माँ धान्य लक्ष्मी की, माँ धान्य लक्ष्मी की, माँ धान्य लक्ष्मी की। तुम कितना भी प्रयास कर लो कृष्ण, पर मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि राधा को सांदीपनी का श्राप मिलना सुनिश्चित है।